मैडम ये शब्बीर चाबी देके आपके घर में कोई इमरजेंसी होगी। ओह माय गॉड, अब किस तरह जाऊंगी घर में? क्या हुआ, सब खैरियत है? यही होना था ना, कितनी बार मैंने हिदायत को कहा था मुझे गाड़ी चलाना सिखा दें, लेकिन नहीं, घर में ड्राइवर है, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। तो गाड़ी चलाना सीखने में कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा देता हूँ। मैं? हाँ? इस उम्र में? एक तो हर चीज में खुदा के वास्ते उम्र को लाना बंद करें, कुछ भी सीखने के लिए शौक, जज्बा और अकल की जरूरत होती है, उम्र की नहीं। शौक, जज्बा और अकल मैंने कब से इस्तेमाल करना छोड़ दिया? अरे तो अभी इस्तेमाल करने लग जाए ना, इतनी कौन सी देर हो गई। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैं वो बदनसीब हूँ जिसे चीज़ों का इस्तेमाल आता है मगर चीज़ें नहीं है। मोहब्बत आती है मैं महबूबा नहीं है, जेब है मगर पैसे नहीं है। तो जिंदगी का रोना है ना, क्या कर सकते। बस करो, ये चाबी पकड़ो। सिंपल है गाड़ी चलाना, बैठे मैं आपको सिखाता हूँ। आए लेकिन कुछ खबर है तुम्हें? क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? क्या किया असफर ने? वो हमारा बेटा है, मैं तुम्हारे बेटे की बात कर रहा हूँ। माहिर, क्या किया माहिर? अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अरे क्या बात नहीं कर रहा हूँ, क्यानी साहब के साथ क्लब गया था, वहां पे मैंने खुद देखा है, गप्पे हाँक रहा था, बहुत कुर्बत दिख रही थी दोनों के अंदर। बड़ा लंबा हाथ मारा है तुम्हारे होशियार बेटे ने। वैसे जो तुम रिश्ता देखने गई थी उसका इनकार इसीलिए तो नहीं हो गया था, उनको खबर मिल गई थी इसकी? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो नरमीन से बहुत मोहब्बत करता था, उस रिश्ते की इनकार करने की वजह ही कुछ और थी। झूठ, तुम्हारा माहिर सिर्फ धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है, वो मोहब्बत नहीं कर सकता। वैसे आसान हल ढूंढा है तुम्हारे बेटे ने, मेहनत कौन करे, नौकरी कौन करे, किसी मालदार बेवा को तलाश करो, निकाह करो और ऐश करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आ जाएगा यकीन जिस दिन तुम्हारे सामने तुम्हारी उम्र की लड़की बहू बना के खड़ा कर देगा। खुदा के वास्ते अनवर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे नहीं, अपनी लाडले को खुदा का वास्ता दो, उसको समझाओ कि वो ये बेवकूफी ना करे। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, मैं तुम्हारे ख्याल से बोल रहा हूँ। जैसे भी कोई गलत हरकत करेगा उससे मेरे और तुम्हारे रिश्ते पे असर पड़ेगा। वैसे भी मेरे सर्कल में चार लोगों को पता है वो मेरा सौतेला बेटा है, खुद तो बेशरम है ही, हमारी भी इज्जत का जनाजा निकालेगा, रोको उसको। तुम नहीं जानते माहिर, तुमने मेरी कितनी बड़ी, कितनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील कर दी है। सीरियसली, कितनी छोटी सी ख्वाहिश आप बरसों से दिल में बिठा के बैठी हुई थी, आप भी महरू कसम से। मेरी तो कभी छोटी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, तो बड़ी कैसे पूरी होती? और ये जो तुम मुझे महरू कहते हो ना, ये भी उन छोटी ख्वाहिश और छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश में से एक है। इस नाम से पुकारे जा, महरू। महरू, चले अंदर। ठीक है।